प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कंटिन्यू इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान पुलिस का हमारा टारगेट है और राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख मेले। तो कल आपको मैंने टॉपिक करवा दिया राजस्थान के प्रमुख त्यौहार और आज टॉपिक मैं लेके आया हूँ राजस्थान के प्रमुख मेले, क्योंकि मेले से संबंधित भी राजस्थान पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोरोना की वजह से अभी एग्ज़ाम स्थगित हो रहे हैं। तो अभी फरवरी में या हो नहीं सकता, मेरे को लगता है तो फरवरी में हो सकता आगे एग्ज़ाम में जाएगा, तो उसमें आपको उसकी दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम तो कभी ना कभी तो होगा, तो आप लगातार इसे कंटिन्यू क्या इस क्लास के साथ बने रहिए। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करना है, आपके भाई बंधु दोस्त हैं तो इनमें वीडियो को आप शेयर कीजिए। तो आप राजस्थान के प्रमुख मेले से संबंधित आज हम टॉप 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो राजस्थान की कला संस्कृति से हमारा ये टॉपिक है रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। देखिए कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और प्रसिद्ध यह गणेश मेला आयोजित कब होता है? तो ये होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में प्रसिद्ध गणेश मेला लगता है। कहाँ है ये? सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी इनके जवाब दिया करो ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। अगला क्वेश्चन देखो, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याणी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है डिग्गी। कहाँ है? डिग्गी कल्याण जी यानी कि टोंक में है ये और इनका मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो मारवाड़ उत्सव है वो जोधपुर में मनाया जाता है, ऊँट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में और ब्रिज महोत्सव धौलपुर में। तो इसमें देखना है अभी कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा चार नंबर, ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं मनाया जाता। हाथी उत्सव है जो जयपुर में मनाया जाता है, ऊँट महोत्सव बीकानेर में और मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। ये ऊँट महोत्सव है बीकानेर में, अभी जनवरी फरवरी में ये आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखो कि गोगा जी के गोगा मेड़ी नहर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि कौन सी है? यह गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में। ये गोगा मेड़ी है हनुमानगढ़ में, नहर हनुमानगढ़ में, और ये भारतीय तिथि के अनुसार इनका जो मेला कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका ये मेला लगता है, और गोगा मेड़ी है कहाँ? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, लांगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? यह है केला देवी से। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में, और इनका जो अन्यायी है लांगूरिया गीत है इनके गाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों में कौन से मेले के लिए विख्यात है? जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों में कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा गधों का मेला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गधों का मेला है वो जयपुर के लुणियावास ग्राम पंचायत में मेला लगता है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो पहले, तो उसके बाद में आपको शेयर करना है, क्योंकि आपका प्यार स्नेह और सपोर्ट ही हमारे लिए रामबाण साबित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? तो बीकानेर में लगता है कोलायत का मेला, कपिल मुनि जी का मेला लगता है कोलायत में, और बीकानेर में कोलायत पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि का मेला लगता है, तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में, और कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? तो ये होता है कपिल मुनि का मेला। किसका होता है? कपिल मुनि का मेला लगता है कहाँ? कोलायत बीकानेर में। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। अगला क्वेश्चन देखो, जिला जिसमें परिषद भर्तहरी मेला आयोजित होता है। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आता हूँ, ये क्वेश्चन देख लेना, आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे। तो भर्तहरी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है अलवर में। कहाँ लगता है? भर्तहरी का मेला अलवर में लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा क्या है? प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में संबंध है? ये पूछा गया एग्जाम में कि प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ये लगता है
राजस्थान के किस जिले में लगता है प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला? तो ये लगता है बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या मैंने? छोड़ दिया। ये देखो दोबारा मैंने छोड़ दिया कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ये होता है झालावाड़ में। ये गलती से छूट गया, इसका मैंने बता दिया क्या आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला, इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में दो बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में दो बार आयोजित होता है? ये होता है सीकर में। कहाँ होता है? सीकर में आयोजित होता है। कहाँ? रेवासा में। रेवासा सीकर में जीण माता का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में दो बार लगता है? तो ये जीण माता है, और जीण माता का मेला कहाँ लगता है? सीकर में। अगला क्वेश्चन देखो, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये होता है ब्यावर। ब्यावर अजमेर में ये क्या है? बादशाह का मेला लगता है। ये भी क्वेश्चन क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करो, क्योंकि आपकी ये जो रोज़ डेली में शाम 7:30 बजे आपको ये क्लास देता हूँ, क्योंकि 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, इससे ज़्यादा आपका टाइम भी ख़राब नहीं होता, और आपकी एक बार जो अलग अलग जितने भी टॉपिक है उसके क्या है, एक बार रिवाइज भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है जयपुर ज़िले में। कहाँ लगता है? बाणगंगा का मेला जयपुर ज़िले में लगता है, और ये जयपुर ज़िले के बैराट कस्बे में बढ़ता है बाणगंगा का मेला। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? राजस्थान का प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? ये बढ़ता है माघ में। किस में बढ़ता है? माघ में। और बेणेश्वर का मेला वो डूंगरपुर में लगता है, और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। कब लगता है? ये माघ में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर क्या है? बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला आपको पता ही है कहाँ लगता है? बारा में। कहाँ लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है बारा में। अगला क्वेश्चन देखो, पर्वतसर पशु मेला किस किस स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर पशु मेला किस किस स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजाजी। क्या हो जाएगा? पर्वतसर पशु मेला किस में, किसकी याद में मेला लगता है? तेजाजी की। और तेजाजी है जो जो लोक देवताओं में पंचपीरों में, उनमें तेजाजी शामिल नहीं है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था ना, उसका साथ सूत्र क्या है कि मेरा बापू गोरा है, तो मेरा बापू गोरा में इसका सूत्र क्या हो गया, इनमें पंचमीर शामिल है, लेकिन तेजाजी पंचपीरों में शामिल है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामदेवरा। रामदेवरा पशु मेला नहीं है, लेकिन नागौर है, पुष्कर है, और तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में आ गया, पुष्कर अजमेर में आ गया, और रामदेवरा जैसलमेर उनेचा में है, लेकिन रामदेवरा जो है पशु मेला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करणी माता। करणी माता का मेला वर्ष में दो बार आयोजित होता है। कहाँ? देशनोक बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ है? किसके शासनकाल में कोटा में क्या दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा माधव सिंह के काल में। किसके? माधव सिंह के शासनकाल में कोटा में जो दशहरा मेला है, और कोटा का प्रसिद्ध भी है दशहरा मेला, तो इस माधव सिंह के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नागौर मेला मुख्यतः है? नागौर मेला मुख्यतः है, तो नागौर मेला है पशु मेला, पशु मेला है, तो तेजाजी का इसमें पशु मेला लगता है। कहाँ? नागौर में। पर्वतसर नागौर में। अगला क्वेश्चन देखो, गाँव मुकाम में जम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? गाँव मुकाम में जम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ये लगता है दो बार। कहाँ लगता है? दो बार में। विष्णोई संप्रदाय में जम्बू जी का जो प्रसिद्ध स्थल है बीकानेर में मुकाम, तो वहाँ क्या है, दो बार इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ आयोजित होता है? विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है राजस्थान के बीकानेर जिले में।
राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊंट मेला आयोजित होता है। कब होता है? ये जनवरी फरवरी में भी मनाया जाएगा और ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है परबत्सर नागौर में और ये प्राचीनतम पशु मेला है। अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद में। किसमें? भाद्रपद में गोगा जी का मेला लगता है और कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी कहाँ है? सीतामढ़ी है प्रतापगढ़ में और इसमें किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीतामढ़ी है सहरिया जनजाति से। इससे सहरिया जनजाति से सीतामढ़ी में जनजाति से मेला लगता है और ये कहाँ पर है? बारा में। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानना है। यहाँ बणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव ये गलत हो गया, गोतेश्वर मेला सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मरु महोत्सव बाड़मेर। कहाँ? तो गोतेश्वर मेला सिरोही में लगता है। उसके बाद में यहाँ बताना है भी गलत युगम का चढ़ना है, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में इसका आयोजन किया जाता है। किसका? जसवंत पशु मेले का। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो अजमेर में लगता है, उसका आयोजन किस महीने में किया जाता है? ये किया जाता है नवंबर में। कब है? नवंबर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ? बोहरा समाज ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है और इसका उर्स बढ़ता है गलियाकोट डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला इसका कहाँ बढ़ता है? तो इसका जो प्रथम मेला है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इसका मेला बढ़ता है और दूसरा लगता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में। कहाँ? उनका दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखो कि जल झूलनी एकादशी का मेला कब बढ़ता है? जल झूलनी एकादशी का मेला कब बढ़ता है? ये बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ता है। किसका? जल झूलनी एकादशी का मेला। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है डूंगरपुर जिले को। इसको डूंगरपुर जिले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? तो राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब है? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। कहाँ लगता है? ये बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? तो किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? तो ये मैंने बता दिया कहाँ, हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है और इसका ये प्रथम मेला लगता है और जबकि दूसरा लगता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में। अगला क्वेश्चन देखो, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। जब कोलायत में कपिल मुनि जी का मेला पड़ता है तभी कार्तिक पूर्णिमा को क्या है, पुष्कर मेला मनाया जाता है अजमेर में। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित है? रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित है तो ये है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। क्या है इसमें? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है? राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केला देवी का जो मेला है करौली में लगता है उसको लक्की मेले के रूप में भी जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में मरु मेला कब आयोजित होता है? जैसलमेर में मरु मेला कब आयोजित होता है? तो जैसलमेर में मरु मेला लगता है, मरु महोत्सव मनाया जाता है और बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव। तो ये लगता है माघ में। कब है? माघ में जैसलमेर में मरु मेला आयोजित होता है। अभी जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर के गलियाकोट का उर्स हिजरी सन किस महीने की तारीख 27 तारीख को मनाया जाता है? जो डूंगरपुर के गलियाकोट का उर्स है वो हिजरी सन किस महीने की तारीख 27 तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुहर्रम। यानी कि मुहर्रम इनके महीना होता है, उसकी 27 तारीख को क्या है, डूंगरपुर के गलियाकोट में इनका उर्स लगता है। अगला क्वेश्चन देखो,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, तो यहाँ भरना है रिकिस्तान में कि माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है, तो यहाँ रिकिस्तान को भरिए, तो रिकिस्तान में भरिए, तो इसका आंसर हो जाएगा रजब। क्या हो जाएगा? रजब महीना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। अब यहाँ पर युगम असंगत बताना है भी कौन सा युगम असंगत है, एक तरफ उर्स दिए हुए हैं और एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है अजमेर में, चोटीला पीर का उर्स लगता है जालौर, नरहड़ पीर झुंझुनू, तारकिन का उर्स नागौर। तो इसका असंगत युगम हो जाएगा 2 नंबर, चोटीला पीर का उर्स जालौर में नहीं लगता है। ख्वाजाद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है अजमेर, नरहड़ पीर का उर्स लगता है झुंझुनू और तारकिन का उर्स लगता है नागौर में, बल्कि जो चोटीला पीर का उर्स है ना वो पाली में लगता है। कहाँ लगता है? पाली में लगता है चोटीला पीर का उर्स, बल्कि जालौर में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, तारकिन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तारकिन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी। तो तारकिन का उर्स लगता है नागौर में, नागौर में लगता है, उसके बाद में संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी क्या है, इनकी पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है और तारकिन का उर्स इनके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन राजस्थान में कहाँ होता है? एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन राजस्थान में कहाँ होता है? तो ये होता है कोटा बूंदी में। कहाँ होता है? कोटा बूंदी, जो हड़ौती वाला क्षेत्र है उसमें क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, देव सोमनाथ मेला किस जिले में भरता है? देव सोमनाथ का मेला किस जिले में भरता है? तो ये भरता है डूंगरपुर में। कहाँ भरता है? देव सोमनाथ का मेला डूंगरपुर जिले में भरता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, हंडूड़ा लोकोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हंडूड़ा लोकोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मियाँ गाँव बूंदी में। कहाँ? मियाँ गाँव बूंदी में हंडूड़ा लोकोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सुल्तान तारकिन का उर्स किस जिले में भरता है? सुल्तान तारकिन का उर्स किस जिले में बढ़ता है? ये बढ़ता है नागौर में। कहाँ? सुल्तान तारकिन का उर्स नागौर जिले में बढ़ता है और इनको हमीमुद्दीन नागौरी के उपनाम से भी जाना जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो कि किस निम्न में से कहाँ पशु मेले बढ़ते हैं? निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ पशु मेले बढ़ते हैं? ये बढ़ते हैं उक्त सभी में। तो निम्बाज पाली में बढ़ते हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर में और पुष्कर अजमेर में भी क्या है पशु मेले बढ़ते हैं, नागौर में भी भरे जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करना, और जो भी विद्यार्थी हमारे से चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, हम ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक शेयर करना, और सुबह आपको 7 बजे इंडिया करंट की क्लास मिलती है, उसको भी आप कंटिन्यू उसके साथ भी बने रहिए, और लगातार इस सीरीज को भी राजस्थान पुलिस की हम कंटिन्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक एक टॉपिक हम क्लियर करते जा रहे हैं। रोज़ शाम आपको क्या है टॉप 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको करवाए जाते हैं। तो कल मैंने त्यौहार करवा दिया और आज आपका टॉपिक हो गया राजस्थान के प्रमुख मेले, और कल मैं आपके लिए ले आऊँगा। कल आपको रविवार की छुट्टी रहेगी तो सोमवार को मैं लेके आऊँगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और कल आपको इंडिया करंट में मिलेगा वीकली टेस्ट, क्योंकि पीछे हमने जो भी 7 दिनों में या 1 सप्ताह में पढ़ा उसका आपको कल संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।